गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले श्रीनगर हाईवे, और हम लोग आज जा रहे हैं कारगिल। वहाँ एक नाइट रुकेंगे, फिर कल वापस आएंगे। ले से कारगिल जाते वक्त बीच में ट्रैफिक लगा हुआ है। एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये जो रिवर है इसका पानी सड़क से होते हुए जा रहा है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग रुके हुए हैं। लेट्स सी कब तक खुलता है, बट नज़ारे तो खूबसूरत ही हैं एज ऑलवेज इन लद्दाख। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग रोड पे, ऐसा लग रहा है पूरी नदी रोड पे आ गई है। चुके हैं मूनलैंड। इसको मूनलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स मून की लैंड के जैसे हैं। मून पे तो गए ही नहीं है हम कभी, यहीं देख लेते हैं। कारगिल जाते वक्त ये एक पास पड़ा है और ये है नज़ारे जो कि हम इस ट्रिप में लेते ही आ रहे हैं। हम हैं मुलबेक में। मुलबेक में ये फेमस मॉनेस्ट्री है छोटी सी, जिसमें मैत्री बुद्धा की स्टैचू बना है ऑन द रॉक इटसेल्फ, अगर आपको दिख रहा। तो ये है मैत्री बुद्धा की कार्विंग एक रॉक पे है। अमेजिंग वॉक, क्या मस्त है। ये है मॉनेस्ट्री प्रमाइस। तो हम पहुंच गए हैं कारगिल टाउन। कारगिल से हम लोग जा रहे हैं द्रास, कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के लिए। कारगिल से द्रास है 50 किलोमीटर्स और ये है उसका रास्ता। तो हम पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ आने की एक फीलिंग ही कुछ अलग है, गूज़बम्स, मतलब इंडियन होने का असली फील ऐसी जगहों पे आके बहुत ज़्यादा ही आता है। अंदर जाके देखते हैं, पूछ लेते हैं पहले कि अंदर शूट करना अलाउड है या नहीं।
कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। अभी हम लोगों ने एक 15 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री देखी यहाँ पर कि कैसे कारगिल वॉर शुरू हुई, कितने हमारे जवान शहीद हुए और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। देखकर यही फील आता है कि कितने सेक्रीफाइस के बाद ही कंट्री हमारा बचा हुआ है। दोनों तरफ दुश्मन है और हमारे जवान उन्हें बचा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा इंडियन फील आया। सो वी ऑल हैड टियरी आईज। हैट्स ऑफ एंड बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। चुके हैं कारगिल अपने स्टे पे और ऐसा कुछ हमारा रूम दिखता है। बढ़िया सा बेड है, मस्ती पेंटिंग लगी है, ये बड़े से वार्डरोब्स हैं, टीवी है, वॉशरूम है और गैलरी भी है, एक बालकनी विद अ व्यू। तो ये रूम हमें पड़ा है 2500 रुपीस का फॉर 3 पीपल और बहुत ही सही रूम है। यस, बहुत ही सही रूम है। गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम कारगिल। हम निकल रहे हैं अब लेह के लिए। कल हम वॉर मेमोरियल देखने गए थे, आज हमारी 2-3 साइट्स और हैं देखने के लिए। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है हमें। कारगिल से लेह हम लोग जा रहे हैं दूसरे रूट से और ये सिंगल रोड है। ये देखिए आप लोग क्या खतरनाक रास्ता है। उन्हीं की फैमिली है ये पूरी। हाँ जी। फिर इसके बाद वो आर्यन वंशज थे ना। आर्यन चार भाई। अब ये रह गया कि ये गांव ठीक है, इधर बैठेगा एक भाई, इधर जाओ एक भाई, गर्लफ्रेंड। तो आप लोग के फोर्थ गिलगित में, आप लोग के दादा दादा उनके ऊपर के लोग थे। हाँ जी। तो आप उन्हीं की फैमिली से मतलब। हाँ जी। इन्हीं के बाद तरीका अलग था, अच्छा आप बदल गया, चेंज हो गया आज जमाने के साथ साथ। लेकिन आपके जो वो रहे फोर फादर्स, जो आपके दादाजी 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 वही थे आर्यंस, वो आर्यंस थे ना। वो आर्यंस थे असल। आप बता रहे थे कि जो आपके वो 6-7 feet होते थे, जो आपके 6 feet तक होता था। मेरा दादा था 6.5 feet। बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा। अभी ना हम कुछ अभी
एक गांव है वहाँ से आए थे आर्यन, वहाँ से आए थे बोलते कि हम तो कहाँ से बोलता है गिलित गिलित कुछ गिलगित वहाँ पे भी आर्यन से थे ना, अभी भी मिलते हैं में मैंने पढ़ा है। वहाँ से आए थे पहले हमारे दादा लोग इतना थोड़ा सा बदमाश भी थे क्या बदमाशी करते थे वहाँ का थोड़ा आप इनके उधर थोड़ा राजा होता था राजा तो होता था उनसे नहीं बनते थे वो क्योंकि वो खुद आप शक्तिशाली था उनसे नहीं बनते थे क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और शक्तिशाली थे और इनके अंडर काम नहीं करना चाहता था इंडिपेंडेंट रहना चाहता था धीरे हमेशा रखते बस खूबसूरत गांव है लेकिन एकदम साफ हवा साफ पानी हवा पानी साफ है आप लोग का आदत पड़ गई हमें तो आदत हमें तो पहाड़ पे चढ़ेगा आपको एक बार दिक्कत नहीं पड़ेगा हमें अभी जाता लेकिन आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी हम लोग को जैसे अब करीब 15 दिन हो गए हैं तो अब ठीक लग रहा है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लग रहा है हम गए ले पेंगोंग पूरा सोमरूरी नूबरा वो पूरा घूम रहे कारगिल से आ रहे हैं हमने कहा कि आर्यन वैली का नाम हमें किसी ने बताया वहाँ पे कहाँ पढ़ते हो आप लोग ये अर्यन की जो सही तो कही है ये अर्यन पुत्र भी है और अर्यन भी है देखा वो उधर थे हाय क्या बोल रहा है हाय बोल रहा है शाय शाय फील कर रहा है शर्मा रहा है हाँ ये लग रहा है ये लग रहा है मतलब बड़ा होके हीरो बन जाएगा ये बड़े के हीरो बन जाना अभी से बुक कर दिया आज करगिल से है क्या आज करगिल से वापस जाना करिए नहीं ले जा रहा है ले जा रहा हूँ दोबारा ले जा रहा हूँ हाँ वापस ले क्योंकि हम लोग को वापस नहीं करना है 15 दिन हो गया अच्छा तो ये आर्यन्स मतलब ये एक्चुअल में ऐसे दिखते थे वहाँ वाह नाइस बहुत बहुत सुंदर ये इनकी हाइट तो बहुत लंबी रही होगी इसका लंबे 7 फुट था ये 7 फुट के थे वाह वाह जा रहे लेह पैलेस से सिटी का नजारा लीजिए गजब लग रहा है वापसी की फ़्लाइट ले चुके हैं जो कि बहुत डिले हो गई सुबह 11:20 की थी बट 3 बजे हमने बोर्ड किया दिल्ली लैंड करेगी उसके बाद 8 बजे हमारी बैंगलोर की फ़्लाइट है बहुत मिस करने वाले हैं लद्दाख को कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है बस जमीन नहीं मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है।